ले जी दोस्तों, हमारा दाना भी आ चुका है जी, जो कि हमारा ख़त्म हो गया था। ये अंदर जी हमने देखें बारीक चावल भी डाले हुए हैं, ठीक है, और दाना भी है। ये हम सारा इसके अंदर डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने पिजन्स को भी 7-8 दिन से तकरीबन नहीं खोला, बिज़ी था थोड़ा सा। आज मैं इनको खोलने लगा हूँ और आप दोस्तों को अपडेट देता हूँ कि क्या क्या अपडेट है अंदर और क्या सीन है, कहाँ तक हमारा पहुँचा प्रोसीजर, कितने बच्चे हैं, सारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले मेरे साथ। तो दोस्तों ये मैंने कबूतर खोल दिए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। 7-8 दिन के बाद तकरीबन इनको मैं आज बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखें जी, अभी पहले इनकी खुशी देख लें तो फिर आपको केज के अंदर की अपडेट देता हूँ। पानी इनको डाल देता हूँ, ये इनका पानी वाला बर्तन है। ये दोस्तों आज मैंने काफ़ी दिन के बाद बाहर निकाले हैं, और ये हमारा जी बच्चा इकलौता उड़ने वाला। ये देखें जी ये भी, और ये नए कबूतर के भी पर आ गए हैं जी, ये दोनों उड़ गए हैं। ये देखें दोस्तों, एक तो बैठ गया केज पे, ये बच्चा भी बैठ गया और ये भी बैठ गया। तो ये देखें दोस्तों, ये 2-3 हमारे नए कबूतर हैं जिनके पर आ चुके हैं, ये उड़ने लग गए हैं। इनके पर थोड़े थोड़े कम करने हैं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं अभी हमने इनको उड़ाना। मैं आपको दोस्तों केज के अंदर की अपडेट देता हूँ। वो हमारा कबूतर नीचे आ चुका है, केज के अंदर की अपडेट आपको देता हूँ। ये हमारा रेसर बच्चा, ये जी दोस्तों हमारा कासद बच्चा है, जो मैंने अंडे स्वैप किए थे ना। ये देखें, जूम कर लो, ये मैंने अंडे जो स्वैप किए थे दोस्तों, ये ठीक तरह से मैंने नोट किया है। ये जो है ना कबूतर, ये हमारे पट्ठे हैं, ये बड़े कबूतर नहीं हैं, ये पट्ठे पट्ठियाँ हैं। ये सही तरह इनको फीड नहीं करवा रहे, बच्चे की ग्रोथ बहुत रुकी हुई है। आज से मैं इसको खुद ही फीड करवाऊँगा, खुद ही इनको पानी डाला करूँगा। ये देखें इन्होंने माशाल्लाह कितने अच्छे बेबी पाले हुए हैं। ये देखें दोस्तों, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कितने छोटे थे, और ये देखें ये माशाल्लाह इनकी ग्रोथ देखें, लेकिन इनके कलर की नहीं समझ आ रही, ये ब्लैक ब्लैक कलर के बन गए हैं। ये बड़े होंगे तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। और दोस्तों ये हमारे वो टैडी मेल और कमगर फीमेल का अंडे हैं, ये दोस्तों दोनों फर्टाइल है, मैंने चेक किया है। और ये माशाल्लाह दोस्तों हमारा गोल्डन कबूतर जो है, ये उसका अंडा है जिसका मैंने आपके साथ नुस्खा भी शेयर किया था कि जो जोड़ा नहीं लगा रहा था कबूतर, ठीक है दोस्तों, ये उसका अंडा है। और नेस्टिंग नहीं है इसकी, नेस्टिंग की हुई थी, और ये इसकी नेस्टिंग उठा के ले जाते हैं बार बार, मैंने 2-3 दफ़ा इसकी नेस्टिंग उठा के इसमें रखी है। अभी मैं मज़ीद नेस्टिंग ला के रखता हूँ, ये इसकी नेस्टिंग उठा के इधर फेंक देते हैं, बच्चों को भूख लगी हुई है। ये देखें कैसे वाले निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इसको मैं खुद ही फीड करवाता हूँ, क्योंकि इसको सही तरह से ये फीड नहीं करवा रहे। तो दोस्तों मैंने आज तकरीबन इनको 7-8 दिन के बाद आज बाहर निकाला है ये कबूतरों को, ये बड़े अपसेट हुए हैं। तो ये देखें दोस्तों, इसको इन्होंने दाना खिलाया ही नहीं है सही तरह से। ये देखें दोस्तों, मामा शाफे भी ऊपर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बोलो शाफे, शाफे की तरफ से जी आपको अस्सलाम वालेकुम, और बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बोलो। बस हाथ ही लाई जाता है। ये बाहर दाना जो बचा कुचा पड़ा हुआ है दोस्तों, ये खा रहे हैं हमारे कबूतर। ये बच्चा अब निकाला हुआ है, इसको मैं फीड करवा के तो फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये तो दोस्तों मैंने इसको फीड करवा दी हुई है, ये इसके पोट देखें आप भर गई है, इसको मैंने पानी भी पिला दिया, और वो जो दाने के अंदर चने होते हैं मैंने वो इसको दिए हैं, इसको मैं वापस रख देता हूँ। अब इसका पेट फुल हो गया, अगर इसको दोस्तों पेट भर के तब से फीड मिलती होती ना तो ये इस टाइम ग्रोथ कर गया होता। ये देखें दोस्तों, ये इस कबूतर का अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पीछे फीमेल है, फीमेल भी बड़ी प्यारी है, और ये जनाब इसका नर है, ये इसका अंडा है दोस्तों। इसके अंडे का मुझे आप दोस्तों को पता है कि बेसब्री से इंतज़ार था, इस पे मैंने बड़ी मेहनत की है। ये वही कबूतर है जो जोड़ा नहीं लगा रहा था और ब्रीडिंग नहीं कर रहा था। तो दोस्तों
आपके सामने ही है कि मैंने इसको नुस्खे दे के आप दोस्तों के साथ शेयर भी किया है कि ये नुस्खा क्या था, कैसे मैंने इसको ज़बरदस्त किस्म का बनाया है और इसने जोड़ा भी लगाया है और जोड़ा लगा के इसने अंडे निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये इंशाल्लाह दुआ करेंगे अंडे फर्टाइल हों और इसके बच्चे निकलें। ये देखें, ये बाहर आया हुआ है नेस्टिंग कलेक्ट करने के लिए, ये बाहर घूम रहा है, ये वापस अंदर गया। वो देखें फीमेल उसकी अंडा सेट कर रही है, ये अंदर चला के। तो दोस्तों आप मानते हैं हमारा वाकई नुस्खा कामयाब हुआ है। अगर आप दोस्तों का कोई कबूतर जोड़ा नहीं लगाता, मस्ती नहीं करता, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक कर लें, वीडियो देख लें। अगर वो आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पिजन्स अंडे देंगे, जोड़े लगाएंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेयर्स ने अंडे दे दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, किसी ने बच्चे निकाले हुए हैं, किसी ने अंडे दे दिए हुए हैं। तो आप दोस्त भी ये चीज़ें कर सकते हैं, आप मेरे नुस्खे पे अमल करें, आपको भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, सब्सक्राइबर माशाल्लाह हमारे बढ़ गए हैं और भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप दोस्तों को ऐसी अपडेट आती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। शाफ़ी अल्लाह हाफिज़ बोलो, ज़ोर से बोलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो।